नमस्कार, स्वागत है आपका जे जे एन न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ निशा उप्रेती। हल्द्वानी, जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, अब ऐसा लग रहा है कि हमारे इस प्रवेश द्वार को किसी की नजर लग गई है। आपको बता दें कि आए दिन हल्द्वानी से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हल्द्वानी में रहना आप सेफ है। सड़क दुर्घटनाएं हों, चोरी हो, डकैती हो, अब जो लोग हैं उनके मन में सिर्फ एक सवाल है कि घर से बाहर निकलना क्या सुरक्षित है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हल्द्वानी में एक चोरी की वारदात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में इसका खुलासा करते हुए आरोपियों को भी गिरफ्तार कर दिया है। ये जो घटना है वो हल्द्वानी के बद्रीपुरा इलाके में हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के बद्रीपुरा इलाके में। आप ये जो घर देख सकते हैं, सूरज थापा का ये घर है, जिनकी जो वाइफ है उनका नाम है आकांक्षा। वो बीते दिन यानी कि 10 तारीख को कोतवाली गई थी, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोगों ने उनके घर पर धावा बोला और उनके अलमारी में रखे आभूषण को चोरी कर लिया। और ये जो घटना थी वो 9 तारीख को घटित हुई थी, जिसकी जानकारी 10 तारीख को आकांक्षा जी ने पुलिस थाने में दर्ज कराई। वहीं जब चोरी की घटना हल्द्वानी में हुई तो इससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट के निर्देशन में एसपी सिटी हरबंस सिंह और सीओ सिटी भूपेंद्र सिंह धोनी के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित हुई, जिसमें जो 3-4 लोगों की जो टीम थी उन्होंने यहाँ आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले, साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। इसके बाद जो शहर में मुखबिरों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया और मुखबिर की सूचना पर पुलिस को पता चला कि जो लोग हैं, जो चोरी करने वाले लोग हैं, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने मौके पर जाकर दबिश दी तो लोग जो दोनों आरोपी थे, दो आरोपी इसमें बताए जा रहे हैं, जिसका एक का नाम है योगेश और दूसरे का नाम है सागर। और बड़ी बात ये है कि दोनों ही ये जो घर में लोग रहते हैं, सूरज थापा और आकांक्षा, दोनों को जानते थे। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो घटना घटित हुई है उसके बाद पुलिस ने चंद घंटों में दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जो आभूषण वगैरह जो भी चोरी हुई थी वो सब चीज़ें भी बरामद पुलिस ने कर दी है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में खुलासा कर दे रहा है, लेकिन अब पुलिस प्रशासन को चाहिए कि कुछ ऐसे कठोर जो नियम हैं वो लागू किए जाएं, जिससे कि जो चोर, लूट, डकैत, ऐसी चीज़ें जो घटित होती हैं उसको करने से पहले चोर एक बार ज़रूर सोचे कि हल्द्वानी में इस तरह की घटनाएं करना क्या उनके लिए सेफ है। अब पुलिस को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि लोग घर से बाहर निकलते हुए ये ना सोचे कि क्या घर से बाहर निकलना उनके लिए सेफ है या फिर नहीं है। हालांकि अब पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही इस और कार्रवाई भी शुरू कर दी है और जो सारे आभूषण थे वो भी यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको लौटा दिए। हालांकि हम अभी यहाँ पर आए थे लेकिन यहाँ पे घर पे ताला लग रहा है। हमने सोचा था कि इनसे बात करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला था कि जब ये चोरी हुई थी ये लोग कहाँ पर थे और क्या जब ये लोग चोरी हुए थे ये घर पे ही थे या घर से बाहर थे, ऐसी कोई जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पुलिस को अब चाहिए कि इस तरफ कोई कठोर कानून ज़रूर बनाने चाहिए। तो जे जे एन के इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा उप्रेती अपनी सहयोगी वैशाली शर्मा के साथ जे जे एन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।